हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और आज हम बात करेंगे पीएन जंक्शन की। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बार को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम इनको आपस में कंबाइन ऐसे नहीं करते, लाइक हम इसको ऐसे जोड़ नहीं देते हैं। क्लियर? एक हम सिलिकॉन वेफर लेते हैं, तो वेफर क्या होता है हम लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे। हम एक लाइटली डोप्ड वेफर लेते हैं, सिलिकॉन वेफर, दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन। और उसके बाद हम उसमें मास्किंग करके और डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम डोपिंग करते हैं। तो हम हाफ पोर्शन कवर करके पी टाइप डोपिंग करके पी बनाते हैं, और एन टाइप डोपिंग करके, एन टाइप मीन फॉस्फोरस या फिफ्थ एलिमेंट्स को डोप करके हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, और हाफ पोर्शन में हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं थर्ड टाइप एलिमेंट्स को ऐड करके। क्लियर? तो इस डाउट को थोड़ा सा, अगर आपके मन में ये डाउट है कि पी एन जंक्शन कैसे बनता है, तो हम इसे लास्ट यूनिट में देखेंगे। बस अभी आप सिंपल यहाँ ये समझ सकते हैं कि एक सिलिकॉन वेफर आपने लिया, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिकॉन, और वो लेने के बाद आपने उसमें दो टाइप की डोपिंग करी विद द हेल्प ऑफ मास्क। दैट फर्स्ट वन इज पी टाइप डोपिंग, दैट इज बोरोन और थर्ड एलिमेंट, और देन एन टाइप, दैट इज फिफ्थ टाइप ऑफ एलिमेंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बनाया है, और यहाँ पे कुछ इमोबाइल आयंस, मोबाइल आयंस, मेजोरिटी, माइनॉरिटी, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो एक एक करके इनको समझेंगे कि इनका क्या मतलब है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा ये सारी कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं हम पी टाइप सेमी कंडक्टर से। ओके, तो कहानी शुरू हुई थी पी टाइप सेमी कंडक्टर की, कि भाई आपने एक सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, अच्छी कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहा था, इसलिए आपने उसमें बोरॉन मिला दिया। क्यों? क्योंकि आपको इम्प्योरिटी चाहिए थी, फ्री चार्ज कैरियर्स चाहिए थे जो कंडक्टिविटी दे सकें। जैसे ही आपने थर्ड ग्रुप के एलिमेंट मिलाया बोरॉन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी थी, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो क्या हुआ, अगर उसके पास एक बॉन्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो आपको मिल गया एक एक्स्ट्रा होल। तो ऐसे आपने जितनी भी इम्प्योरिटी मिलाई बोरॉन्स की, उन सब में एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, तो आपको मिल गया एक होल। बट हुआ क्या, अब आपको अगर ये बॉन्डिंग कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्लियर? तो क्या होगा, कहीं दूसरी जगह से, कहीं से भी इस से पी टाइप सेमीकंडक्टर बार को एनर्जी मिल गई, और सपोज यहाँ का कोई एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गया। क्लियर? तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, जैसा हमने रिकॉम्बिनेशन पढ़ा था ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस होल की वैकेंसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ पर एक होल ड्रॉप कर देगा, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा जो इसको फिल करने की कोशिश करेगा, वो यहाँ पे होल फिल कर ड्रॉप कर देगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है चार्ज कैरियर का, और चार्ज कैरियर का मूवमेंट क्या होता है, फ्लो ऑफ करेंट। तो डेफिनेटली जो मुझे चाहिए था फ्लो ऑफ करंट, वो मुझे मिल गया है यहाँ पे। इसका मतलब ये सेमीकंडक्टर बार ऑफ कंडक्टिविटी शो करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को इसने यहाँ लिया और अपनी वैकेंसी को फिल करके ये स्टेबल हो गया। क्लियर? तो ये बोरॉन है, ये क्या है, बोरॉन। ये क्या ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपनी वैकेंसी को फिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पर कैसा चार्ज चढ़ गया, इसने उधार लिया तो इस पर कैसा चार्ज चढ़ गया, नेगेटिव। क्लियर? तो बोरॉन के पास, यहाँ पे लिख लेते हैं, बोरॉन के पास एक चार्ज चढ़ गया नेगेटिव। क्लियर? नेगेटिव चार्ज चढ़ गया। दूसरी चीज, ये क्या हुआ, स्टेबल हो गया ना यहाँ पर। क्लियर? तो ये क्या, अब ये कहीं हिलेगा, कहीं जाएगा नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा। क्लियर? तो ये कैसा हो जाएगा, इमोबाइल। चार्ज कौन सा आ गया उसके पास, नेगेटिव,
और कैसा है हो गया वो इमोबाइल, क्योंकि उसकी वैकेंसी फेल हो गई। क्लियर, स्टोरी सुनते रहिएगा। और कौन कौन से चार्ज कैरियर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन और ये होल। तो एक मुझे दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और एक मुझे दिख रहा है यहाँ पे होल। क्लियर, तो देखिए नीचे आते हैं, यहाँ पे सेमीकंडक्टर पी टाइप बना हुआ है। ठीक, ये एक रेड कलर का सर्कल गोला दिख रहा होगा आपको और बाकी सभी ग्रे कलर के गोले दिख रहे होंगे। तो इतनी बात तो समझ में आ रही होगी देख के कि भाई ये तो मेजोरिटी में है और ये कुछ माइनॉरिटी में है। क्लियर, तो ऐसा हर जगह होगा। तो ऐसा पूरे सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर बार अगर हम बना लें तो क्या होगा, बहुत सारे होल्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जितनी आपने इम्प्योरिटी मिलाई है उतने सब क्या होंगे, नेगेटिव आयन्स होंगे। तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे उतने नेगेटिव आयन्स होंगे। क्लियर, तो ये सब क्या होते हैं, तो यहां लिखा हुआ है इमोबाइल आयन्स। तो ये इमोबाइल आयन्स क्या हैं, यही आयन्स, ये नेगेटिव आयन्स जो मूव नहीं कर सकते। क्लियर, मोबाइल आयन्स क्या हैं, तो इमोबाइल का मतलब क्या होता है, जो मूव नहीं कर सकते। मोबाइल आयन का मतलब क्या होता है, जो मूव करते हैं। मोबाइल में किस टाइप के, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। तो अगर मैं होल की बात करूं तो मेजॉरिटी कौन होगा, अगर मैं पी टाइप की बात करूं तो मेजॉरिटी कौन होगा, होल, और माइनॉरिटी कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ऐसे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, फास्फोरस से। जब आप फास्फोरस को इंट्रोड्यूस कराएंगे एज अ इम्प्योरिटी इन सिलिकन बार तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाता है आपको। क्लियर, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री है, कहीं भी जा सकता है। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं गया तो इस फास्फोरस ने क्या किया, एक चार्ज दे दिया, उसके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज था उसने दिया, तो ये किस टाइप का आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। क्लियर, बोरॉन इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। फास्फोरस इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं एक एन टाइप की बात करूं तो वहां पे ये आपको पॉजिटिव आयन मिलेगा। मेजोरिटी, फिर बात आती है मोबाइल आयन्स की, कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। क्लियर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं जाएंगे किसी होल की वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स। तो जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे ऑरेंज कलर, ये सब क्या हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। तो एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होंगे, होल्स। क्लियर, ये क्या होंगे, होल, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। और यहां लिखा है नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। क्लियर, तो ये इमोबाइल आयन्स हैं, तो ये नेगेटिव आयन फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो मैंने आपको बताया यहां पे नेगेटिव क्यों है, एंड फॉर एन टाइप इट इज पॉजिटिव। तो यहां मैंने आपको समझाया कि ये पॉजिटिव क्यों है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा फिगर हम क्लियर कर लेते हैं और एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई
तो आपका 50% फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग, ये हमें नहीं मिटाना था, कोई बात नहीं, चलिए मिटा दिया है अब तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे चार्ट्स को देख के। अब हम यहाँ पे फिर से कोशिश करते हैं लिखने की, जो भी हमने पढ़ा अभी तक, कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये समझने की कोशिश करी पी टाइप के केस में, पी टाइप के केस में आपके इमोबाइल आयंस, इमोबाइल आयंस आपके क्या होंगे, नेगेटिव। मेजोरिटी क्या होगा, होल्स फॉर पी टाइप, एंड माइनॉरिटी क्या होगा, माइनॉरिटी इज इलेक्ट्रॉन। सेम अगर हम एन टाइप की बात करें तो इमोबाइल क्या होगा, और यू कैन से आयंस क्या होंगे आपके, पॉजिटिव। मेजोरिटी क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स, एंड माइनॉरिटी क्या होगा आपका, होल। क्लियर, तो बस इतनी चीज आप याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक पी एन जंक्शन कैसे बनाया जाता है। तो आई होप आपका ये डाउट थोड़ा सा क्लियर होगा, क्योंकि अब मुझे पता नहीं कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको जंक्शन पे कौन सा चार्ज कहाँ बनाना है। अगर आप एग्री करते हैं मेरी बात से, तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है कि यहाँ पे निगेटिव बनाना है। ठीक है, तो ये अगर एन टाइप है तो यहाँ निगेटिव बनाना है कि यहाँ पॉजिटिव बनाना है। तो लोग समझते हैं, बच्चे समझते हैं कि ये एन टाइप है तो यहाँ निगेटिव बना देते हैं, ये पी टाइप है तो यहाँ पॉजिटिव बना देते हैं, तो कुछ भी बना देते हैं। बट ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं बनता, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। और उस लॉजिक को अभी हम और थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हुआ क्या कि आपने क्या किया, एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को विद द हेल्प ऑफ डोपिंग वेफर में कंबाइन किया। अब जैसे ही आप इसके जंक्शन पे आए, तो जंक्शन पे क्या होगा, जो मोबाइल आयंस होंगे वो तो मूव कर जाएंगे। लाइक मोबाइल आयंस क्या है आपके, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो इस जंक्शन पे जितने भी मोबाइल आयन यहाँ पर होंगे आसपास, सपोज अगर पी टाइप में मेजोरिटी होल है, तो अगर ये होल है, इलेक्ट्रॉन में एन टाइप में मेजोरिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गए होंगे, आपस में रिकम्बाइन। तो नियर दी जंक्शन जितने भी ऐसे मोबाइल आयंस थे वो सब क्या हो गए, रिकम्बाइन। तो इस पूरे रीजन में ये क्या हो गए, रिकम्बाइन। तो रिकम्बाइन हो गए, इसका मतलब मोबाइल आयंस की जो पॉपुलेशन है वो इस पर्टिकुलर रीजन में अब खत्म हो गई। इमोबाइल आयंस मूव नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली वो कहां रह गए, जंक्शन पे। क्लियर, कहां पे कौन से रह गए, ये मैंने आपको समझा दिया कि पी टाइप में नेगेटिव क्यों है, क्योंकि बोरॉन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। फॉस्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर होल्स अप्लाई करे, तो अगर आप पी टाइप के होल्स की बात करें, अल्टीमेटली आपको एक चार्ज फ्लो करना है, मींस आपको करंट फ्लो करना है इस पी एन टाइप सेमीकंडक्टर में। क्यों, क्योंकि अब ये एक पी एन जंक्शन बन गया, तो ये आपका एक कुछ डायोड बन गया, एक सेमीकंडक्टर डायोड बन गया है। तो होगा क्या कि ये होल्स जो हैं वो मूव करना चाहेंगे, किधर कहाँ जाना चाहेंगे, ये रिकम्बाइन होना चाहेंगे किससे, इलेक्ट्रॉन से। क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन होना चाहेंगे किससे, होल्स से, तभी तो करंट फ्लो होगा। लेकिन क्या होगा, ये होल जब यहाँ से यहाँ मूव कर रहा होगा तो इसे कौन रोकेगा, इसे ये रोकेगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर,
जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा होगा तो इसे कौन रोकेगा? ये नेगेटिव इमोबाइल चार्ज। तो ये है इनका पोटेंशियल बैरियर। तो इस इमोबाइल चार्ज कैरियर की वजह से जहाँ पे कोई भी मोबाइल आयंस नहीं होते हैं, मोबाइल का चार्ज कैरियर्स नहीं हो सकते हैं जो मूव करा सकें फर्दर, उनकी वजह से यहाँ पर एक रीजन क्रिएट हो जाता है एंड दैट रीजन इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। क्लियर? अब अगर मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, अगर मैं एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करूं तो ये बैरियर कम होता है, इनको एनर्जी मिलती है कि ये मूव करें, और जैसे जैसे हम बैटरी की पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे ये डिप्लीशन विथ मीन्स ये आगे मूव करते हैं और ये डिप्लीशन विथ कम होती जाती है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि कैसे एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में कंबाइन किया जाता है। क्लियर? पी टाइप सेमीकंडक्टर में इमोबाइल आयंस क्या होते हैं, उनका चार्ज क्या होता है, दैट इज नेगेटिव। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जब आप एक पी टाइप और एन टाइप को आपस में कंबाइन करते हैं तो उस जंक्शन पे जहाँ पे वो कंबाइन होते हैं सारे मोबाइल आयंस और मोबाइल चार्ज कैरियर्स रिकम्बाइन हो जाते हैं, लेकिन सॉरी वहां पे क्या रह जाते हैं? इमोबाइल आयंस। इन इमोबाइल आयंस की वजह से ही आपकी डिप्लीशन विथ जनरेट होती है। क्लियर? हम आगे देखेंगे कि उस डिप्लीशन विथ में और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं या किसकी वजह से वो इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। फिलहाल हमें ये समझना है कि यहाँ पर एक डिप्लीशन विथ क्रिएट हो जाती है जो पी टाइप सेमीकंडक्टर के कैरियर्स को मूव करने से रोकती है टूवर्ड्स एन टाइप, और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोकती है टूवर्ड्स पी टाइप। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।